इलाके में नौजवान का हुआ कत्ल, खेत में पड़ी रही मोहित की लाश, माशुका से मिलने गया था मोहित, कातिल मोहब्बत बेदर्द जमाना। उस नौजवान की लाश खेत में पड़ी मिली थी। लाश मिलने के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन मरहूम के भाई ने जो खुलासा किया उससे सभी हैरान रह गए, क्योंकि मोहित के भाई के मुताबिक उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोहित की माशुका के परिवार ने किया है। भाई का जो है मोहित, जो मृतक जी भाई था हमारा मोहित, और इसके पिता का नाम था मुनीश कुमार। सर मोहित इसका लड़की का कुछ अफेयर चल रहा होगा सर, इसका मतलब हमें पहले से नॉलेज नहीं था। तो अचानक ही मतलब इसके लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ा घर उसी के लड़की के, तो उसे मारा पीटा, बहुत बेरहमी से मारा पीटा, और उसे मतलब ले जाके ऐसी मृतक अवस्था में वहाँ छोड़ दिया अशोक प्रधान जी के खेत में। दरअसल ये सनसनीखेज मामला लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद का है, जहाँ रहने वाले मोहित कुमार की लाश पड़ोस में ही मौजूद खेत में मिली। परिवार के मुताबिक मोहित रात के अंधेरे में अपनी माशुका से मिलने गया था, लेकिन इसी दौरान लड़की के परिवार ने मोहित को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। भाई की माने तो मोहित को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, लेकिन जब इससे भी उन हैवानों का दिल नहीं भरा तो इन सभी ने मोहित को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। और तो और परिवार का ये भी आरोप है कि कत्ल के बाद लड़की के घर वालों ने मोहित की लाश को फंदे के सहारे लटका दिया ताकि उसे खुदकुशी समझा जाए। वहाँ अशोक के खेत में सब मिला जी, वहाँ पे जब हम सब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे क्या रोक है, पीट पीट कर हत्या की सर, पीट पीट कर हत्या की है और रस्सी गले में बांध कर खींच के वहाँ पे मारा है उसे सर। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह गर्लफ्रेंड के चक्कर में मोहित की जान गई, उससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल जरूर उठ रहा है। लखीमपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ हर्ष गुप्ता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।